हेलो एवरीवन, मैं हूं अनीस और आप देख रहे हो मार्वेलस एजुकेशन। आज की वीडियो में मैं बहुत सारे फॉर्मूला प्लेस लेकर आया हूं जिसके हेल्प से आप वॉल्यूम सरफेस एरिया को काफी आसानी से फोड़ सकते हो। साथ ही साथ मैं बता दूं कि इस वीडियो को थोड़ा लास्ट तक देखना, क्योंकि मैं कुछ ऐसे बार बार रिपीटेशन करूंगा कि आप वीडियो को देखते वक्त ही आप याद कर सकते हो। तो चलो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का फॉर्मूला का लिस्ट वाला ये वीडियो। गाइस, सबसे पहले मैं बता दूं कि जो फॉर्मूला बताऊंगा उनमें हमें कुछ लिमिटेड स्टेप्स के बारे में ही पढ़ना है। मैं उन्हीं स्टेप्स के बारे में बताऊंगा भी। 2022 एंड 23 के सिलेबस में जो 10th में है उसमें कुछ स्टेप्स हटा दिए गए हैं। तो कौन कौन स्टेप्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, स्टेप्स सबसे पहले मैं बताता हूँ। तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, किन किन शेप्स के बारे में मुझे इस चैप्टर में पढ़ने हैं। तो सबसे पहले मैं डिस्कस करूंगा क्यूबॉइड के बारे में। किसके बारे में मेरे दोस्त? बिल्कुल क्यूबॉइड के बारे में। दूसरा जो मैं डिस्कशन करने वाला हूँ वो करने वाला हूँ किसके बारे में? अबाउट क्यूब के बारे में। और तीसरा जो हमारा डिस्कशन होने वाला है वो किसके बारे में होने वाला है? वो है हमारा सिलेंडर। क्या है? सिलेंडर होने वाला है। और चौथा जो हमारा डिस्कशन होने वाला है वो किसके बारे में? चौथा मैं डिस्कशन करूंगा हॉलो सिलेंडर के बारे में। किसके बारे में दोस्त? हॉलो सिलेंडर के बारे में। इसके बाद मैं डिस्कस करूंगा फिफ्थ नंबर पे कोन के बारे में। उसके बाद अगला जो हमारा डिस्कशन होगा वो किसके बारे में होगा? कोन के बाद मैं डिस्कस करूंगा, इसके बाद हमारा डिस्कशन होगा कौन के बाद हम डिस्कस करेंगे स्फीयर के बारे में। और जैसे स्फीयर का डिस्कशन हो जाएगा तब मैं डिस्कस करूंगा हेमिस्फीयर के बारे में। और हेमिस्फीयर के बाद जो हमारा डिस्कशन होगा वो होगा हॉलो स्फीयर के बारे में। तो इतने सारे जो हमारे पॉइंट्स होंगे, जो शेप्स होंगे, जिनके बारे में डिस्कशन मैं करने वाला हूं इस वीडियो में। तो वीडियो का लास्ट तक जरूर बने रहना और सब का अलग अलग सेपरेट सेपरेट फॉर्मूला लिखवा कर मैं याद भी करवा दूंगा इसी वीडियो के अंदर। चलो आ गया हूं मैं बोर्ड को क्लियर करके इस वीडियो को कंटिन्यू करने, जिसमें मैं बहुत सारे सेप्स का फॉर्मूला आप लोगों को बताने वाला हूं और याद करवाने वाला भी हूं। हाँ हाँ भाई, मुझे याद है कि मैं याद भी करवाने वाला हूं। चलो ना, तो स्टार्ट करता हूं मैं इन फॉर्मूलों का लिस्ट बनाना। सबसे पहला जो शेप होगा हमारा वो कौन सा होगा मेरे दोस्त? सबसे पहला मैं शेप का डिस्कस करने वाला हूं अबाउट क्यूबॉइड के बारे में, कि क्यूबॉइड होता क्या है, कैसे कैसे दिखता है और साथ ही इसके लिए फॉर्मूला कौन कौन यूज होने वाला है। तो देखो ना, क्यूबॉइड कुछ ऐसा दिखता है जैसे माचिस का तीली, माचिस का डब्बा होता है ना, उसी के जैसा दिखता है, मैच बॉक्स की तरह। तो जिसमें सलाई वगैरह रखा जाता हो वही क्या काम करता है, एक क्यूबॉइड की तरह काम करता है। अब ये हो गया हमारा क्यूबॉइड। जैसे ब्रिक वगैरह भी देखे होंगे जो चिमनी भट्ठा वगैरह रखता है ना लोग ईटा बना बना के, वो ईटा कैसा बनाता है, क्यूबॉइड के जैसा बनाता है। वो भी दिखता है कैसा, क्यूबॉइड जैसा है। और भी बहुत सारा आसपास में देख सकते हो। अब जैसे कार्टून वगैरह बहुत सारा दुकान दुकान में आता है, नाप जो कि थोड़ी बनाता है, इतने लंबा आता है, चौड़ा होना चाहिए, नहीं बनाता है। तो उसमें भी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अलग अलग होता है। तो वो भी कैसा दिखता है हमारा, क्यूबॉइड के जैसा दिखता है। तो ये हमारा क्यूबॉइड। क्यूबॉइड में ध्यान रहे कि हमेशा तीन डायमेंशन होते हैं। कौन कौन डायमेंशन? पहला जिसको बोलते हैं लेंथ। क्या बोलते हैं मेरे दोस्त? पहला जिसे बोलते हैं लेंथ बोलते हैं। दूसरा जो होता है उसे हम बोलते हैं ब्रेड। क्या बोलते हैं? ब्रेड, बिल्कुल। और तीसरा वो डायमेंशन जिसे हम लोग बोलते हैं हाइट। तो ये हो गया हमारा हाइट, ये ब्रेड और ये लेंथ। अगर इसका कोई पूछे व्हाट इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, तो कैसे निकाल सकते हो? तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है मेरे दोस्त, एक बार याद हो तो जल्दी से चिल्ला के बोल देना। क्या होता है वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड? एल इंटू बी इंटू एच, बिल्कुल। दूसरा फॉर्मूला मुझे जाना है इसका लेटरल सरफेस एरिया। अब गुरु जी, लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है? अब लेटिया का थोड़ी बताना है लेटरल सरफेस एरिया। तो सुनो ना, बता देते हैं क्या होता है लेटरल सरफेस एरिया। दो मिनट सुनोगे ना तो समझ में आएगा क्या होता है। सुनो, अगर मैं बोलूं कि ऐसा, अगर यही मेरा कमरा होता, इसी के अंदर मैं रहता, एक चुन्नी है इसके अंदर, हेलो फ्रॉक पहनी हुई चुन्नी, सुनो तुम कहां हो? इस कमरे में। अब बोल रही है कि मुझे पेंटिंग वेंटिंग करवाना है, इस दीवार को पेंटिंग में नहीं करवाऊंगी क्योंकि दीवार जो बड़ा खूबसूरत है, मैं उसमें टाइल्स वगैरह लगवाना नहीं।
डिजाइन डिजाइन बनाना है। दूसरा इसको नीचे वाले फ्लोर पे भी टाइल्स लगवा ली इसने, तो बच गया कौन कौन, पहला इधर, ये चार वॉल्स बच गए। तो या तो इसको बोल सकते हो लेटरल सरफेस एरिया, शॉर्टकट में LSA, या फिर इसका दूसरा नाम भी है जिसको बोलते हैं क्या, इसको और भी बोलते हैं एरिया ऑफ फोर वॉल। क्या बोलते हैं मेरे दोस्त, लेटरल सरफेस एरिया का दूसरा नाम एरिया ऑफ फोर वॉल। ये जो चार वॉल है ना, देखो टॉप और बॉटम को छोड़ देंगे, बोल रही छतवा पे नहीं करवाना है, और कहा नहीं करवाना है, पेंटिंग वेंटिंग बॉटम पे नहीं करवाना, टाइल्स पे थोड़ी पेंट करवा देंगे, भगवा थोड़ी गई है, पढ़ी लिखी है, 10th क्लास में पढ़ी है, इसलिए इसको पता है, उसमें कभी भी हम लोग को टाइल्स के ऊपर से पेंटिंग थोड़ी करवाना होता है, उसमें चूना थोड़ी पुतवा देंगे, गड़बड़ हो जाएगा। तो इसे पेंटिंग कहां कहां करवाना पड़ेगा, चारों वॉल्स पे करवाना पड़ेगा। तो चारों वॉल से अगर एरिया निकालना होगा तो उसके एरिया फोर वॉल बोल सकते हैं। दूसरा नाम उसका क्या होगा मेरे दोस्त, दूसरा नाम क्या होगा, LSA, लेटरल सरफेस एरिया। बिल्कुल, तो इसे लेटरल सरफेस एरिया जब भी निकालना हो तो उसके लिए फॉर्मूला होता है 2 × L + B × H, ये होता है फॉर्मूला लेटरल सरफेस एरिया निकालने के लिए। अब तीसरा जो फॉर्मूला, ये है फॉर्मूला नंबर A, ये है फॉर्मूला नंबर B, ये है फॉर्मूला नंबर C, एक और ये फॉर्मूला नंबर B ही दोनों है। अब C ने और फॉर्मूला जानते हैं, तीसरा बोलता है कि चलो ना अब दीवार पे और नीचे बॉटम दोनों हमें टाइल्स नहीं लगवाना है, बहुत खर्ची आ रहा है, प्लानिंग इसमें चेंज कर दिया इसके भाई ने, बोला कि पैसा होगा तभी ना, तुम कमाती थोड़ी हो। तो उसको समझ में आया कि भाई ने लगाने वाला है, पैसा वो कमाता है इसलिए वो अपने हिसाब से ही मनवाएगा, दो चार तलक लगा भी दिया और झगड़ा भी कर लिया। तो फाइनली ये सोल्यूशन निकला कि इसे सब जगह इसको पेंटिंग वेंटिंग करवाना है, इवन जमीन पे। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए निकालना पड़ेगा, अब इसे जो पेंटिंग करने वाला होगा वो टोटल सरफेस एरिया को पेंट करेगा, इसे क्या कहेंगे, टोटल सरफेस एरिया। अगर मैं चार वॉल्स में टॉप और बॉटम का ऐड कर दूं तो क्या कहलाता है, टोटल सरफेस एरिया। बिल्कुल समझदार वालों को, इसलिए तो वीडियो देखो इतना देर तक, वरना भग गए होते। अब देखो TSA डिनोट करते हैं किसको, टोटल सरफेस एरिया को, उसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं क्या, TSA। टोटल सरफेस एरिया के लिए फॉर्मूला क्या होता है, 2 × LB 2 × LB + BH + LH। बिल्कुल ठीक होता है हमारा किसका फॉर्मूला, टोटल सरफेस एरिया के लिए। अब अगला फॉर्मूला देखते हैं हम लोग, टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला तो मैंने लिख दिया, इस तरीके से आप चाहो तो सारी चीजें कैलकुलेट कर सकते हो। लास्ट फॉर्मूला इस टॉपिक का वो कौन है, डायगोनल, कौन सा, डायगोनल। डायगोनल के लिए फॉर्मूला होता है अंडर रूट L² + B² + H² ऐसे करके आप चाहो तो ये भी निकाल सकते हैं इसका डायगोनल। अब इसी को ना थोड़ा थोड़ा ट्रांसफॉर्म करते हैं और बना देते हैं क्यूब के लिए। क्यूब के लिए क्या सेकेंड नंबर फिगर कौन सा है मेरे दोस्त, क्यूब है। क्यूब दिखता कैसा है, अगर मैं इन सारे साइड को बराबर कर दूं, जैसे देखिए हो डाइस वगैरह खेले हो, लीडो वगैरह जब खेलते हैं तो उस वक्त डाइस फेंकना होता है, डाइस फेंकोगे तो डाइस का जो लेंथ ब्रेड और हाइट सब होता है कैसा, एक जैसा होता है। अब उसी को देख लेते हैं कैसा दिखता है, तो डाइस कुछ ऐसा दिखता है इस तरीके का, ये हो गया, क्या हो गया, ये हो गया, क्या हो गया, ये फिगर हो गया, किसका फिगर हो गया, क्यूब का हो गया। इसमें ना लेंथ ब्रेड और हाइट सबको बोलते हैं ए, ए, ए ही बोलते हैं। तो सच बताओ ना, इसका वॉल्यूम निकालने के लिए क्या फॉर्मूला बना सकते हैं, अच्छा इसमें निकाले थे L × B × H, तो उसमें तीनों हो जाएगा A × A × A, क्योंकि LBH तीनों को हम लोग उसमें A ही कहते हैं, L को भी A कहते हैं, B को भी A कहते हैं, H को भी A कहते हैं, मतलब साइड 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 सारे बराबर होते हैं उसमें, इसलिए तो बोल सकते हैं A × A × A बराबर क्या हो जाएगा, A क्यूब हो जाएगा, उसके वॉल्यूम के लिए क्यूब के लिए। अच्छा आप जगह LBH से इस फॉर्मूला को रिप्लेस कर दो, उसका फॉर्मूला निकल के आ जाएगा। तो देखो ना वॉल्यूम निकालने के लिए क्या फॉर्मूला हो जाएगा इसके लिए, A क्यूब। वैसे ही लेटरल सरफेस एरिया जब निकालना होगा तो क्या करना होता है, बॉटम और टॉप को हटा देते हैं, अब बच गया कौन, फोर वॉल, उसी का एरिया निकाल देते हैं तो हो जाता है। अच्छा चारों साइड कितना हमारा साइड दिख रहा है, चार को, तो चार के लिए ए का जो हमारा स्क्वायर होता है उसका एरिया ए स्क्वायर होता है, तो चार वो सरफेस है, जैसे ए वो सरफेस अगर इसमें से उठाएंगे कहीं से भी, मान लो यही सरफेस अगर उठा लेते हैं तो कैसा दिखेगा, ऐसा कुछ जिसमें चारों साइड ए ए ए ए रहे, तो एक सरफेस का एरिया
ए स्क्वायर। चारों तरफ वॉल देख रहे हैं तो वो चार वो सरफेस, इसलिए इसका एरिया क्या हो जाएगा 4a2। अब टोटल सरफेस एरिया में क्या करना पड़ेगा मुझे, टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए हम देख रहे हैं कि इसमें टोटल सरफेस जो है 2 को ऊपर नीचे भी ऐड करना पड़ेगा, तो 4 में 2 ऐड करेंगे क्या को 6 को, तो उसके लिए हो जाएगा 6a2। इस तरीके से हम निकाल सकते हैं टोटल सरफेस एरिया। और लास्ट हमारा कौन डायगोनल, तो डायगोनल का फॉर्मूला क्या हो जाता है √3a। अब इसके कंप्लीट हम लोग डेप्थ में या डेरिवेशन में अभी नहीं जाने वाले हैं, क्योंकि मैं ये जो वीडियो बना रहा हूं सिर्फ और सिर्फ आपको याद करने के लिए फॉर्मूला को बना रहा हूं, ताकि जल्दी से जल्दी आप याद कर सको। तो ये अब अगला शेप जो मैं लाने वाला हूं जो कि शेप नंबर 3 होगा। 3 नंबर शेप कौन सा होगा, सिलेंडर के बारे में डिस्कस करने वाला हूं। हाउ वाला नहीं, एलपीजी वाला, एलपीजी वाला सिलेंडर नहीं है ये, कौन सा सिलेंडर है, तो ये जो सिलेंडर है वो देख लेते हैं कौन सा सिलेंडर है, टंकी वाला है ऊपर वो, उसमें कुछ जुड़ा रहता है ना, दिखता वैसा ही है पूरा नहीं, देख लेते हैं शेप बनाकर मैं दिखा देता हूं। तीसरा नंबर शेप कौन सा है, सिलेंडर है CYLINDER, सिलेंडर। इसको देखोगे ना तो कुछ ऐसा दिखता है, कैसा दिखता है, ऐसा दिखता है, हे हे नहीं बना मेरे सी, मेरी सी सिलेंडर का डायग्राम नहीं बना, और ये रहा मेरा सिलेंडर। हाँ तुम कौन हो, मैं रेडियस हूं, तुम कौन हो तब, मैं तो हाइट हूं, ठीक है, अच्छा तुम भी हो, हाँ मैं भी हूं, तुम कौन रहोगे, मैं रहूंगा रेडियस और मैं रहूंगा इसका बेस। सबसे पहला अगर फॉर्मूला कभी पूछे तुमसे, क्या पूछे, वॉल्यूम का, तो वॉल्यूम निकालने के मात्र एकदम सिंपल सा रूल है, वॉल्यूम निकालने के लिए बेस का एरिया निकालो, तो बेस में कौन सा है सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, देखो बेस एरिया में हाइट से मल्टीप्लाई करो, बेस का एरिया कौन सा हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर कैसे कर सकते हैं, पाई आर स्क्वायर इसमें किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, हाइट से इनटू हाइट, तो पाई आर स्क्वायर इज कौन सा जगह वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हो जाएगा। ये सबसे पहला नंबर फॉर्मूला हो गया। अगर तुमसे पूछे अरे सिलेंडर को भी देखे हो, सिलेंडर देखो ना बोतल है इसी के जैसा, यही हमारा क्या, ये हमारा सिलेंडर, सिलेंडर माने का मतलब गोल होना चाहिए पूरा का पूरा, टॉप पे दिख रहा है मुझे कैसा सर्कल, बेस पे भी कैसा दिख रहा है मुझे एक सर्कल दिख रहा, तो इसी की तरह होता है ये पूरा पूरा सिलेंड्रिकल ही है, सिलेंडर ऐसा ही होता है, इसमें हवा भर नहीं भरता है, इसमें खाना नहीं बना सकते लेकिन पानी पी सकते हैं, ये सिलेंड्रिकल हमारा बोतल है। तो इसका अगर मुझे निकालना हो वॉल्यूम तो क्या लिखूंगा पाई आर स्क्वायर एच। अब दूसरा चीज देख रहे हैं इसके चारों तरफ ऐसा ऐसा सरफेस दिख रहा है, तो ये क्या है घुमा हुआ सरफेस है, नॉर्मल फ्लैट सरफेस नहीं है, तो अगर फ्लैट रहे तो इसके लिए क्या निकालते हैं लेटरल सरफेस एरिया, जैसे क्यू आर क्यू वाटे में निकाला, इसमें कैसा है घुमा हुआ है, इसलिए मैं निकालूंगा इसका कर्व सरफेस, मतलब कर्व जैसा है इसलिए कर्व सरफेस एरिया निकालूंगा, और दूसरा टॉप और बॉटम को नहीं लूंगा कर्व सरफेस में, ये तो फ्लैट है, तो फ्लैट वाला भी दोनों अगर टॉप और बॉटम को ऐड कर दूंगा तो वो हो जाएगा क्या टोटल सरफेस एरिया, बस इतना ही रखना है ध्यान में। चलो ना तो दोनों फॉर्मूला निकाल के मैं दिखा देता हूं, तुम कर दोगे तो मैं कहां दिखाऊंगा। अच्छा जैसे तुम कर्व सरफेस टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए बेस एरिया में मल्टीप्लाई किया था हाइट से, वैसे ही इसके सर्कमफेरेंस में सर्कल के सर्कमफेरेंस में हाइट से मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या आ जाएगा कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया क्या बोलते हैं CSA, CSA मतलब CSA निकालने के क्या करते हैं सर्कमफेरेंस में किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं हाइट से, सर्कमफेरेंस बेस का सर्कमफेरेंस क्या हो जाता है 2πr और इसमें किससे मल्टीप्लाई करना है एच से मल्टीप्लाई, ये हो गया CSA का फॉर्मूला। अच्छा दूसरा एक और होता है टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए, तो टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा टॉप और बॉटम को भी ऐड करना पड़ेगा, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा सरफेस CSA निकाल के और दो को एरिया ऑफ सर्कल ऐड करना पड़ेगा, तो 2πr स्क्वायर ऐड करना पड़ेगा, CSA का फॉर्मूला 2πr इनटू h, ये है 2πr स्क्वायर, तो इसमें से 2π मुझे कॉमन दिख रहा है, हां गुरु जी दिख रहा है, आप बोले हैं मुझे ना दिखाई दे, ऐसा हो सकता है ना हो सकता है, तो इसमें क्या बचा हुआ इसमें h बचा, इसके पास क्या बचा r बचा, तो ये हो गया TSA के लिए आपके लिए फॉर्मूला, जिसे आप रट कर घूट सकते हैं, कैसे घूट सकते हो रट कर, तो ये हो गया हमारा क्या पूरा सारा का सारा जो फॉर्मूला सिलेंडर से रिलेटेड है।
अब थोड़ा इसको और कुछ इनहांस करता हूं मैं, और इनहांस करके थोड़ा कुछ कुछ और भी ऐड करता हूं। क्या कहते हैं ऐड करता हूं मैं, कुछ कुछ ऐड करता हूं। ओके चलिए गुरु जी ऐड कर दीजिए मुझे, ठीक है। तो इस ये क्या हो गया, सिलेंडर के बारे में कंप्लीट डिस्कशन हो गया। अब मैं सिलेंडर से इसके हॉलो सिलेंडर में चलता हूं। हॉलो मतलब बीच में कैसा होना चाहिए, खाली होना चाहिए। कैसा होना चाहिए मेरे दोस्त, खाली होना चाहिए। ओके ओके बीच में ऐसा मैं कर दिया ये ब्लैंक। अब इसके बारे में मुझे जानना है। अच्छा इसमें अगर पूछ दे ये बताइए कैसा है, तो जैसे तार वार देखे हो ना, तार में बीच में अगर एल्युमिनियम हो इसे खींच दे तो बाहर वाला प्लास्टिक की तरफ बच जाए, तो वही होता है हॉलो की तरफ, बीच में मतलब कुछ भी नहीं खाली रहता है। अब उसी के बारे में डिस्कशन करना है। इसको मैं डिनोट करूंगा स्मॉल आर से, और इसे डिनोट करूंगा कैपिटल आर से, और ये क्या हो जाएगा हमारा पूरा का पूरा हाइट हो जाएगा। अब इसका वॉल्यूम अगर निकालना होगा तो वॉल्यूम में कैसे निकालूंगा, वॉल्यूम निकालने के लिए वॉल्यूम ऑफ आउटर सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ इनर सिलेंडर निकालना पड़ेगा। अच्छा आउटर सिलेंडर का वॉल्यूम निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, कैपिटल आर लेना पड़ेगा, बड़ा वाला आर लेके निकालना पड़ेगा। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, जल्दी से चिल्ला कर बोल दो, कैसे चिल्ला कर, पाई आर स्क्वायर एच, जैसा कि मैंने यहां पे भी लिखा था पाई स्क्वायर एच वॉल्यूम। अच्छा अंदर वाले का क्या हो जाएगा, पाई स्मॉल स्क्वायर एच, मुझे दोनों में कॉमन दिख रहा है पाई टू एच, क्योंकि हाइट दोनों का सेम है, अंदर वाले का भी बाहर वाले का भी। अब अंदर बच गए इसमें कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर, ये हो गया इसके वॉल्यूम का फॉर्मूला। चलो दोस्त स्टार्ट करता हूं मैं कोण के बारे में कंप्लीट डिस्कशन, क्या होता है कोण और कैसे कैसे उसके फॉर्मूला हम निकाल सकते हैं। अच्छा कोण मैं बात करूं ना, मेला वाला में जाते हो ना सर को जैसे टोपिया पहना देता है, समझो वही कोण का एक बेस्ट एग्जांपल है, ऐसा ही कोण दिखता है। चलो दिखाता मैं कोण का पूरा पूरा सेट। तो कोण कुछ ऐसा दिखता है, कैसा दिखता है, ऐसा दिखता है, और ऊपर की तरफ टोपी, ठीक है गुरु जी। बीच में क्या रहता है उसका सेंटर, यहां से मैं चाहूं ऐसा परपेंडिकुलर गिराकर क्या बना सकते हैं, हाइट इसका बना सकते हैं। और ये क्या कहलाता है, ये पूरा का पूरा कहलाता है हमारा स्लैंट हाइट। सॉरी ये क्या कहलाता है, रेडियस कहलाता है, यहां से यहां तक रेडियस। ओहो ये कैसा ट्रायंगल बन रहा है, इसको मैं अगर ध्यान से देखूं तो इस ट्रायंगल को मैं बाहर बनाऊंगा तो कुछ ऐसा दिखेगा, कैसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा। ये क्या कहलाएगा, रेडियस, ये क्या कहलाएगा, हाइट, और ये क्या कहलाएगा, स्लैंट हाइट, और ये कितने डिग्री पे, 90 डिग्री पे। अब मुझे जानना है इसमें क्या रिलेशन हो सकता है स्लैंट हाइट इसमें, राइट, ये पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम से ये जो हमारा फोर्थ नंबर शेप है, ओके फोर्थ नंबर फिफ्थ नंबर है ना, इसमें सबसे पहला हमारा फॉर्मूला होता है इसके लिए, इसे बोलते हैं स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट के लिए फॉर्मूला होता है अंडर रूट, पाइथागोरस थ्योरम बिल्कुल सेम टू सेम अप्लाई हो जाता है, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। दूसरा ये स्लैंट हाइट के लिए फॉर्मूला हो गया सबसे पहला ए नंबर। दूसरा अगर सीए से इसका पूछता है कर्व सरफेस है, सबसे पहले मैं वॉल्यूम का डिस्कशन करता हूं तो इस बार भी करूंगा, क्योंकि वॉल्यूम मेरा है पावर है, ऐसा है पावर है। अब वॉल्यूम निकालना होगा तो इसलिए बताओ कि हमारा सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता था, अगर सेम सारे डायमेंशन दे दिए तो उसके लिए होता था पाई आर स्क्वायर एच, इसी में तीन से डिवाइड कर दो तो किसका वॉल्यूम हो जाएगा, कोण का हो जाएगा ऐसा। अब सी नंबर देखते हैं, सी नंबर होता है कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया का निकालने का फॉर्मूला इसके अंदर होता है पाई आर एल, और लास्ट जो हमारा है टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया के लिए क्या करना पड़ेगा, सीएसए में बेस का एरिया मुझे ऐड करना होगा, सीएसए क्या होता है पाई आर एल, अब बेस का एरिया, बेस तो सर्कल जैसा है तो सर्कल का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर ले लेंगे कॉमन, और इसमें बच जाएगा एल और इसमें बच जाएगा आर, तो पाई आर इंटू एल प्लस आर टोटल सरफेस एरिया इसका हो जाएगा। तो ऐसे करके इसको आप याद कर सकते हैं। अब चलो चलते हैं हम लोग हॉलो सिलेंडर, अब सर कुछ स्पेयर्स के अंदर, स्पेयर्स कैसे कैसे मुझे पढ़ने, इसके अंदर तो मैं सारी चीजें बता दी आपको, अब चलते हैं किसके अंदर, स्पेयर के अंदर।
अब हम स्फीयर के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं अच्छे से। ओके, स्फीयर के बारे में अगर मैं डिस्कशन करूं तो स्फीयर मुझे कुछ ऐसा दिखता है। कैसा दिखता है? ऐसा दिखता है, दिखा दिया ऐसा। ऊपर होता है टॉप पे एक ऐसा पॉइंट, ये होता है ऐसा पॉइंट, ये क्या है? स्फीयर है। यहां पे बीच में कहीं ना कहीं होगा सेंटर, इसको बोलेंगे रेडियस। अगर इसका ये सिक्स नंबर शेप कौन है? स्फीयर का। इसे अगर बीच से काट दूं तो क्या बन जाएगा? हेमी स्फीयर। हेमी मतलब आधा, ये बन गया हेमी स्फीयर। और तीसरा कौन होता है? हॉलो स्फीयर। अगर ऐसा स्फीयर है बीच में अगर खाली करवा दूं तब क्या बनेगा? हॉलो स्फीयर। कुछ जरूर हो जाएगा ऐसा, कुछ हॉलो रहेगा बीच में हमारा खाली रहता है ना। बीच में मेरे दोस्त खाली रहता है, बीच में मेरे दोस्त खाली रहता है, ऐसा कुछ। ये क्या है? हॉलो स्फीयर, बीच में पूरा ब्लैंक है। इसका अगर मुझे स्फीयर का निकालना हो सबसे पहले वॉल्यूम, तो वॉल्यूम के लिए फॉर्मूला कौन होता है? 4/3 πr³। अगर इसका सरफेस एरिया पूछा जाए, सरफेस एरिया क्यों है ना, देखो ना पूरा का पूरा सरफेस एक ही होता है इसमें, तो सरफेस एरिया अगर पूछे तो सरफेस एरिया के लिए क्या फॉर्मूला होता है? 4πr² इसमें चार को पाई आर स्क्वायर होता है, एक सर्कल का, ये चार को सर्कल के एरिया के बराबर होता है 4πr². वैसे ही अगर मैं नीचे वाले की बात करूं मतलब हेमी स्फीयर, ये कैसा है? 7 नंबर हेमी स्फीयर। अगर हेमी स्फीयर में वॉल्यूम की बात करूं मैं तो इसका 4/3 πr³ था ना, इसका आधा कर दो तो हेमी स्फीयर का आ जाएगा वॉल्यूम, तो क्या हो जाएगा? आधा करेंगे तो 2/3 πr³। अच्छा, वैसे ही कर्व सरफेस एरिया निकालने के लिए क्या हो जाता है? कर्व सरफेस एरिया निकालने के लिए इस सरफेस एरिया में को भी हम लोगों को आधा करना पड़ेगा, तो ये चार लो सर्कल के एरिया बराबर, ये दो सर्कल के एरिया बराबर, तो πr² में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अच्छा, ध्यान रहे कि अगर इसका टोटल सर्फेस एरिया पूछती है तो दो को सर्फेस एरिया के बराबर, दो को सर्कल के एरिया के बराबर कौन? ये सी ए से दो का एरिया ऑफ सर्कल के बराबर। टॉप वाला एक सर्कल का एरिया, तीनों को जोड़ देंगे तो क्या वो सर्कल का एरिया? 3 सर्कल का एरिया, तो हो जाएगा 3πr², ऐसा। ठीक है, हो गया पूरा का पूरा स्फीयर के बारे में कंप्लीट डिस्कशन, जिसमें मैंने आपको स्फीयर से रिलेटेड सब कुछ डिस्कस किया। अब एक और है थोड़ा होलो स्फीयर, इसमें देख लेते हैं। अच्छा, होलो स्फीयर में ज्यादातर वॉल्यूम ही सिर्फ पूछा करता है और कुछ नहीं पूछता। वॉल्यूम निकालने के लिए फॉर्मूला पूछा जाएगा तो क्या हो जाएगा? तो ये अगर कैपिटल आर है और ये छोटा आर, तो इसका हो जाएगा बाहर का वॉल्यूम में से अंदर का वॉल्यूम, आउटर माइनस इनर। अच्छा, आउटर क्या हो जाएगा वॉल्यूम? आउटर वाले का वॉल्यूम हो जाता है 4/3 πR³, अंदर वाले का 4/3 πr³। तो 4/3 π कॉमन, कैपिटल आर क्यू में से स्मॉल आर क्यू माइनस, तो ये हो गया वॉल्यूम ऑफ होलो स्फीयर। अब इससे ज्यादा मेरे दोस्त पूछता नहीं है होलो स्फीयर के बारे में, बस एक ही फॉर्मूला कई पढ़ता है, इससे ज्यादा पढ़ता नहीं। तो ये था हमारा कंप्लीट डिस्कशन ऑन फॉर्मूला ऑफ वॉल्यूम सरफेस एरिया। थोड़ा